ओके, ऑन पेज नंबर 3 द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, एक खुशहाल जिंदगी का किरदार, बाय सर हेनरी वॉटन। कैरेक्टर मीन्स किरदार, हैप्पी लाइफ, खुशहाल जिंदगी के यहाँ पर कहा जा, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, इन दिस पोम वी विल डिस्कस कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन हु लिव अ हैप्पी लाइफ। एक खुशहाल जिंदगी गुजारने के लिए आपके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक और क्या खसूसियात होनी चाहिए, हाउ कैन यू बिकम हैप्पी इन दिस वर्ल्ड, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। नॉर्मली बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि खुशहाली का जो ताल्लुक है वो जो है वो पैसे से है, दौलत से है, लग्जरी से है, मटेरियल से है, जबकि ऐसा नहीं है। खुशहाली का ताल्लुक इन चीज़ों से नहीं है। बहुत सारे लोग बड़े बड़े महल में रहकर भी रोते हैं और बहुत सारे लोग झोपड़ी में रहकर भी हंसते हैं, ठीक है ना। छोटे छोटे घरों में कभी कभार खुशहाली होती है, बड़े बड़े घरों में उदासी होती है। तो खुशहाली का ताल्लुक पैसे रुपये से होता है ना, तो बंगले वाला कभी उदास नहीं होता और झोपड़ी वाला कभी खुश नहीं होता, ठीक है। लेकिन इन चीज़ों से ताल्लुक नहीं है, वो हम ढूंढते हैं उन चीज़ों में कि इनमें खुशी है, लेकिन नहीं है, गलत बात है, दूसरों को देख कर ऐसा सोचते हैं। कहा जाता है ना कि किसी के एक ज़माने में एक बादशाह था, हर वक्त उदास रहता था, बादशाह था वो किसी मुल्क का, लेकिन उदास रहता था, उदासी उसको घेरे रहती थी। तो उसको पता नहीं होता था कैसे खुश हो वो। तो एक अकलमंद इंसान ने उसको बोला कि अगर तो किसी ऐसे शख्स का चप्पल पहन ले जो हमेशा खुश रहता है तो तू भी खुश रहेगा, ऐसे इंसान के चप्पल पहन ले जो हमेशा खुश रहता है। वो बोला ठीक है, ढूंढते हैं ऐसे बंदे को। ऐसे बंदे को पूरे मुल्क में ढूंढता है, आखिरकार ढूंढते रह के बंदा मिल जाता है जो हमेशा खुश रहता है, ठीक है। वो एक भिखारी, एक फ़कीर होता है। तो फ़कीर के पास आता है बादशाह और बोलता है क्या तू बता, क्या तू हमेशा खुश रहता है? तो भिखारी बोलता है हाँ, मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मैं कभी उदास नहीं हुआ। तो फिर फ़कीर वो भाई बादशाह बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो जल्दी से मुझे अपना चप्पल दे ताकि मैं उसको पहनूं और मैं भी आज से खुश रह सकूं। तो फ़कीर कहता है कि अफसोस, बदकिस्मती है आपकी कि मैं तो चप्पल पहनते ही नहीं हूँ, मैं तो फ़कीर हूँ। मतलब इससे एक मैसेज मिलता है आपको कि एक इंसान जिसके पाँव में चप्पल भी नहीं है वो ज़्यादा खुशहाल है, तो चप्पल से खुशहाली नहीं आ रही है, मतलब इसका मतलब ये हो गया, ठीक है, बोलने की बात है। तो सेम यही चीज़ है कि कैसे खुश रह सकेंगे। हर इंसान खुश रहना चाहता है, नोबडी वांट्स टू बिकम सैड, हर इंसान खुश रहना चाहता है ज़िंदगी में। उदासी मिल जाती है आपको कहीं ना कहीं उसे, लेकिन आप चाहते नहीं है, वो चाहते तो खुशी है हर इंसान। तो फर्स्ट स्टैंजा डिस्कस करते हैं, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और चाउच दैट सर्व नॉट अनदर्स विल, हुज आर्मर इज एस ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रुथ हिज अटमोस्ट स्किल। कितना खुश होता है वो जिसको पैदाइश के साथ पता होता है, जिसको सिखा दिया जाता है कि किसी और के ख्वाहिशात की पैरवी ना करो। कितना खुशहाल होता है वो शख्स जो किसी और के ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करता, मतलब जो सिर्फ अपने ख्वाहिशात की पैरवी करता है, अपने मर्जी का मालिक होता है, दूसरों के मर्जी पर काम नहीं करता। हुज आर्मर इज एस ऑनेस्ट थॉट, जिसकी ढाल उसके ईमानदार ख्यालात होते हैं, एंड सिंपल ट्रुथ हिज अटमोस्ट स्किल, और सादा सी सच्चाई उसकी सबसे बेहतरीन महारत होती है। आर्मर कहते हैं ढाल को, जैसे आपने अर्तुरुल में देखा होगा, अर्तुरुल में वो सामने जो है वो सीने पर लगाते हैं ना एक लेदर टाइप का, जिससे तलवार वगैरह का जरूर नहीं लगता, तो आर्मर उसको कहते हैं। तो जिसका आर्मर, जिसके ढाल उसके ईमानदार ख्यालात होते हैं और सच्ची बातें करना उसकी महारत होती है, उसकी महारत होती है कि वो सच बोलता है। और वो बचता किस चीज़ से? अपने ईमानदार ख्यालात से। ईमानदार इंसान को कोई दुश्मन नहीं होता, ईमानदार इंसान से कोई दुश्मन नहीं रखता। कहते हैं ना, डू गुड हैव गुड, अब अच्छा करोगे दूसरों के साथ दूसरे आपके साथ अच्छा करेंगे। और जो बेईमान होता है ना, उसको हमेशा डर होता है दूसरों का, उसको पता होता है कि यार हमने लोगों के साथ बड़ी बेईमानी की है तो लोग कहीं ना कहीं मुझे कोई ना कोई मार देगा आके। तो वो अपने साथ बॉडी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड रखता है, फिर प्रोटोकॉल रखता है अपने साथ, जब वो निकलता है तो 50 गाड़ी पीछे निकलती है, जैसे पॉलिटिशियंस, ठीक है। तो वो क्यों निकलते हैं पॉलिटिशियंस 50 गाड़ी पीछे करके? क्योंकि उनको पता है कि वो करप्ट है, वो बेईमान है, इसकी वजह से उनको अपनी जान की हिफाजत के लिए प्रोटोकॉल रखना पड़ता है। तो एक ईमानदार ख्यालात सबसे बड़ी ढाल होती है इंसान के, जिससे वो बचता है लोगों से। सही बात है। सेकंड स्टैंजा, हुज पैशंस नॉट इज मास्टर्स आर, हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, अनटाइड टू द वर्ल्ड बाय केयर ऑफ पब्लिक फेम और प्राइवेट ब्रेथ। जो अपने जज्बात का गुलाम नहीं होता, या जिसके जज्बात उसके आका नहीं होते, पैशन जज्बात, मतलब जिसके पैशन, जिसके जज्बात उसके आका नहीं होते। खुशहाल वो होता है जिसके, जो अपने जज्बात का गुलाम नहीं होता है, जिसके जज्बात उसके आका नहीं होता, जो जज्बात को कंट्रोल में रखता है वो खुश रहता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान ऐसा है जिसको अपने गुस्से पे काबू ही नहीं है, वो गुस्से पे काबू ही नहीं है, तो वो इंसान कभी खुश नहीं रह सकता।
चूँकि वो गुस्से में कुछ ना कुछ ऐसा कर जाएगा जिसकी वजह से बाद में उसको निदामत का और पेशमानी का सामना करना पड़ेगा। तो इंसान को खुश रहना है तो उसको जज्बात को कंट्रोल करना पड़ेगा, कब खुश होना है, कब गुस्सा करना है, उसको कंट्रोल होना चाहिए, तो इंसान खुश रह सकता है। खुश सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, और जिसकी रूह हमेशा मौत के लिए तैयार रहती है, अच्छे इंसान की रूह हमेशा मौत के लिए तैयार रहती है, क्योंकि ईमानदार इंसान को पता है कि वो कल, उसको पता है आज वो मर जाएगा तो अल्लाह ताला उसको कोई पूछगछ उससे ज़्यादा नहीं करेगा, कब्र में उसके ज़्यादा अजाब नहीं आएगा चूँकि उसने अच्छी जिंदगी गुजारी। और जो बुरा इंसान होता है ना, उसको हमेशा मौत का डर होता है, उसकी रूह तो मौत के लिए तैयार नहीं होता है, उसको ये लगता है ना कि अभी तक तो अच्छा काम तो हम किए ही नहीं, सब तो बड़े बुरे ही काम किए, बुढ़ापा आएगा तो हज करेंगे और फिर मुसल्ला पकड़ के बैठेंगे तो गुनाह माफ़ करवाएंगे, इसलिए हमेशा एक बुरा इंसान डरता है मरने से, लेकिन अच्छे इंसान को मौत का कोई डर नहीं होता, उसको पता है कि आज भी मर जाएंगे तो मैंने अच्छे काम तो दुनिया में किए ही हैं तो हमें अच्छा ही अजर मिलेगा इसका। हम तो सोते हुए भी यही सोचते हैं कि पता नहीं सुबह हो के ना, मुसलमानों का ये अकीदा है कि हम सबको माफ़ करके इस्तग़फ़ार करके सोते हैं कि सुबह पता नहीं अल्लाह ताला नसीब करे कि ना करे उतना। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड बाय केयर, वो दुनिया के उलझनों से जुड़ा नहीं होता, और पब्लिक फैन और प्राइवेट ब्रेथ, कि उसकी कि वो दुनिया की इस उलझन से नहीं जुड़ा होता कि उसकी पब्लिक में लोगों में उसकी मशहूरियत हो जाए और प्राइवेट ब्रेथ या अकेले में उसकी बुराई ब्रेथ मतलब गीबत चुगली हो जाए, मतलब इंसान को उसकी परवाह नहीं होती कि लोग उसको उसकी पब्लिक में उसकी तारीफ हो रही है अकेले में बुराई हो रही है। जो इंसान को जितना ज़्यादा जिसको ये पसंद होगा ना, वो थोड़ा परेशान टेंशन में रहेगा, इंसान ना फेम चाहता है, भाई फेम चाहिए, मशहूरी मशहूर होने वो इंसान हमेशा टेंशन डिप्रेशन में रहता है जिसको मशहूर होने का शौक होता है, या फिर ऐसा इंसान जिसको अपने बुराई का डर लगता है या गीबत का सोचते रहता है, भाई वो क्या सोचेगा मेरे बारे में या उसके बारे में, वो मेरे बारे में क्या बात कर रहा था, पीठ पीछे वो मेरे बारे में क्या बोल रहा था, तब तक इंसान इसके बारे में सोचता रहेगा खुश नहीं रहेगा कभी भी। इसलिए इंसानों को छोड़ दो, क्या कौन अच्छाई कर रहा है कौन बुराई कर रहा है, इसको सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए इन चीज़ों पर, ठीक है। थर्ड स्टैंजा, हु एनवाइस नन दैट चांस चौथरेस नॉर वाइस, वो चलता नहीं किसी भी ऐसे शख्स से जो किस्मत से बुलंद हो गया हो या बुरे काम करके बुलंद हो गया, मतलब किस्मत की वजह से कोई इंसान अगर अमीर हो गया है, बुलंद हो गया है या बुरे काम के बुलंद हो गया है, तो ऐसे लोगों से जलता नहीं खुशहाल इंसान। हु नेवर अंडरस्टूड, जो कभी नहीं समझता, हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन बाय प्रेज, कितने गहरे ज़ख़म मिलते हैं तारीफ से, मतलब कितने ज़्यादा गहरे ज़ख़म मिलते हैं तारीफ से। जब इंसान जब कोई आपकी तारीफ़ कर रहा होता है तो असल में वो आपको उस डीपेस्ट वुंड्स दे रहा होता है, गहरे ज़ख़म दे रहा होता है, ठीक है। मतलब जब कहा जाता है ना कि जब कोई आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहा है ना, बहुत तारीफ़ कर रहा है, समझो आपको बुरा वक्त आने वाला है, इसका मतलब यही है, मतलब वो बंदा आपसे कोई ना कोई काम निकलवाने वाला है, काम निकलवा के आपको डाटा बाई कर देगा, ऐसे ही होता है ना, अबे यार तू तो बड़ा बेहतरीन शख्स है यार, तू तो बहुत अच्छा है यार, ये दोस्तों बोलता है ना काम निकलवाने के लिए, फ्लैटरी चापलोसी, उसके बाद काम निकल जाता है, अल्लाह हाफिज़ तू कौन है भाई। तो यही कहते हैं कि जो अगर आपको कोई तारीफ़ बहुत ज़्यादा कर रहा है ना, तो वो आपको डीपेस्ट वॉन्ट्स दे रहा है, गहरे ज़ख़म दे रहा है, सिर्फ टीचर्स की तारीफ़ और उसके अलावा वालदैन के पेरेंट्स की तारीफ़, ये वो तारीफ़ होती है जो सेल्फलेस होती है, जिसमें वो मफाद नहीं होता, बाकी जो तारीफ़ कर रहा है ना आपकी, वो उसमें कोई मफाद उसका जुड़ा है कहीं ना कहीं। नॉट रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, वो नहीं मानता रियासत के असूलों को लेकिन अच्छाई के असूलों को मानता है, रियासत के असूल से मतलब मेजोरिटी के असूलों को, अक्सरियत जिन चीज़ों पर चलती है वो उस पर नहीं चलता, बल्कि वो फॉलो करता है जो चीज़ राइट होती है, जो सही होती है, जो अच्छी होती है, कहते ना डोंट फॉलो द मेजोरिटी फॉलो द राइट वन, इंसान को अक्सरियत को फॉलो नहीं करना चाहिए, इंसान को अच्छी चीज़ को फॉलो करना चाहिए। बर्ट्रेंड रसल एक फ़िलासफ़र थे, वो कहा करते थे इफ़ 1 million पीपल से या फुलिश थिंग इट विल रिमेन अ फुलिश थिंग, अगर 10 लाख लोग मिलकर कोई बेवकूफ़ी की बात बोलेंगे ना तो बेवकूफ़ी की भी बात ही रहेगी, मतलब 10 लाख लोगों के बोलने से बेवकूफ़ी की रहेगी वो, ये नहीं कि 10 लाख लोग बोले तो सही बोले, ज़रूरी नहीं है, मेजोरिटी हमेशा ठीक नहीं होती, सही बात है ना, जैसे अभी दुनिया में मेजोरिटी में क्रिश्चियंस हैं, मुसलमान सेकंड नंबर पे है ना, तो क्रिश्चियन ठीक तो नहीं हो सकते इस वजह से मेजोरिटी है, तो क्योंकि सही सही चीज़ों का ताल्लुक इससे नहीं है कि तादाद कितनी ज़्यादा है किसी, ठीक है। आगे कहते हैं थर्ड स्टैंजा तो हो गया, फोर्थ स्टैंजा, हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड, जिसकी ज़िंदगी अफवाहों से आज़ाद होती है, र्यूमर से अफवाहों से आज़ाद होती है, अफवाह झूठी खबर अफवाहों से आज़ाद होती है, हुज़ कॉन्शाइंस इज इज़ स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, जिसका ज़मीर उसकी मजबूत पनागा होता है, रिट्रीट मतलब पनागा, उसकी मजबूत पनागा होता है, हुज़ स्टेट कैन नेदर फ्लैटरर्स फीड, जिसकी हालत चापलोस लोग नहीं बनाते, नॉर रुइन मेक्स अप्रेसर्स ग्रेट, और ना ही वो जालिमों को अजीम बनाता है, ना ही वो जालिमों को अजीम समझता है और तबाही लेकर आता है। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है खुशहाल इंसान वो होगा जो कि जिसकी ज़िंदगी र्यूमर से अफवाहों से आज़ाद होगी, वही बात हो रही कि अफवाहों को सुनने की ज़रूरत नहीं है। एक बार ऐसा हुआ कि जो सुक्रेटिस था,
सोक्रेटिस जो फर्स्ट टीचर ऑफ द वर्ल्ड जिसको हम कहते हैं सुकरात जिसको उर्दू में कहा जाता है, उसका शागिर्द था अफलातून। तो अफलातून एक बार उसके पास आया सुकरात के पास, प्लेटो कहता है अफलातून को इंग्लिश में। तो प्लेटो एक बार सोक्रेटिस के पास आया और उसने कहा कि उस्ताद जी मैंने आपके बारे में एक बात सुनी किसी बंदे से, क्या मैं बताऊँ आपको? तो सुकरात बोलता है कि इससे पहले कि तुम मुझे वो बात बताओ मुझे 3 सवाल के जवाब दो, उसके बाद तुम मुझे वो सवाल जब वो बात बताना। पहला ये कि जो तुमने मुझे बात बतानी है उसमें मेरा फ़ायदा है कि नुकसान, उसमें मेरा क्या फ़ायदा है कि नहीं है? उसने बोला कि उसमें कोई फ़ायदा ही नहीं है आपका। मेरा दूसरा तुम ये बताओ कि जो बात तुम मुझे बतानी है उसमें मेरी अच्छाई है कि बुराई है? तो प्लेटो बोलते उसमें आपकी बुराई है। तीसरा सवाल करता है ये बताओ कि जो तुम मुझे बात बताने वाले हो क्या तुम्हें कन्फर्म है कि वो बात सच है? तो ये बोलता है कि नहीं मुझे कन्फर्म नहीं है कि बात सच्ची है, मैं तो सुनी है मेरे बात को। तो सुक्रेटिस ये कहते हैं कि जो तुम मुझे बात बताने वाले हो उसमें मेरा फ़ायदा भी नहीं है, उसमें मेरी बुराई भी है, और तुम्हें कन्फर्म भी नहीं है कि वो बात सही है कि नहीं, तो बेहतर है कि वो बात मुझे ना ही बताओ, छोड़ दो उस बात को बता। तो जब भी कोई शख्स तुम्हारे पास एक खबर लेकर आए कि तुम्हारे बारे में, तो पहले 3 दिनों से गुजारो तब कोई खबर सुनो। सुक्रेटिक मेथड इसको हम कहते हैं, ये स्कूलों वगैरह में सबकों पर लगा होता है, सुक्रेटिक मेथड कहलाते हैं। ये 1000 साल पहले सुकरात ने बताया था, वरना फिर हर किसी की बात पर भरोसा करते फिर हो गए, वो टेंशन लेते फिर हो गया भाई ये बोल दिया मेरे बारे में। तो र्यूमर्स को हर इंसान को सुनना नहीं चाहिए, अफवाहें तो बड़ी उड़ती उड़ती आती हैं हर बंदी के बारे में, लेकिन उसको सुनना नहीं चाहिए। हुस कॉन्शाइंस, इट इज़ कॉन्साइंस, इसको कॉन्साइंस नहीं पढ़ता, इसको कॉन्शाइंस पढ़ता है, कॉन्शियस से निकला है ज़मीर, जिसका ज़मीर उसकी मजबूत पनागा होता है। मतलब ज़मीर क्या, इंसान के अंदर एक दूसरा इंसान होता है जिसको गलत कामों से रोकता है, उसको ज़मीर कहते हैं। ज़मीर भी मर जाता है तो आप गलत काम पे बुरा फील नहीं हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ स्टैंजा है, सो नेक्स्ट है उसके बाद, यस फिफ्थ स्टैंजा। हु गॉड डॉथ लेट एंड अर्ली प्रे मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट्स टू लैंड एंड एंटरटेन्स द हार्मलेस डे विद रिलीजियस बुक और फ्रेंड। जो खुदा की इबादत करता है देर और सवेर, रात देर तक और सुबह तक इबादत करता है, मतलब वो ईशा की नमाज़ पढ़ता है, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता है, फजर की नमाज़ पढ़ता है, मतलब क्रिश्चियंस को अलग है, मुसलमान के लिहाज से ईशा और फजर की नमाज़ की लेट और अर्ली प्रेयर्स जो होती हैं, नमाज़ें पढ़ता है, इबादत करता है, मतलब जो खुशहाल इंसान होता है वो कहीं ना कहीं मजहबी भी होता है। तो खुशहाली का ताल्लुक आपके मजहब से भी है, आपके रिलीजन से भी है, कि रिलीजियस लोग ज़्यादा हैप्पी होते हैं बनिस्बत इरिलीजियस पीपल के, क्योंकि उनके पास एक आसरा होता है, उनके पास एक उम्मीद होती है अल्लाह की तरफ से, और जिनके है ना, इसलिए वो आखिरी दम तक अल्लाह से उम्मीद लगा कर रखते हैं। तो जो खुदा की इबादत करते हैं देर और सवेर, मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट्स टू लैंड, ज़्यादा खुदा की इबादत करते हैं और तहाइफ को कम मांगते हैं, मतलब खुदा से दुआएं में चीज़ें कम मांगते हैं और ज़्यादा उसकी इबादत में टाइम लगाते हैं। मतलब मौसमी मेंढक की तरह, जैसे हमारा होता है ना कि पेपर करीब आ गया है, रिजल्ट आने वाला है, तो भाई टोपी लगा लो मस्जिद चले जाओ, रिजल्ट आ गया चला गया टोपी उतार दो, मतलब हम सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए गिफ्ट सुलैंड खुदा से गिफ्ट लेने के लिए हम इबादत कर रहे होते हैं। एक खुशहाल इंसान ऐसा नहीं करता, वो उसकी इज्जत में उसकी ताज़ीम में खुदा के लिए इबादत कर रहा होता है। एंड एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, और गुजारता है बेज़र दिन विद ए रिलीजियस बुक और फ्रेंड, एक मजहबी किताब और मजहबी दोस्त के साथ। हार्मलेस डे से मुराद एक ऐसा दिन जिसमें किसी और को नुकसान ना पहुँचे, हाँ एक होता हार्मफुल एक होता हार्मलेस बेज़र बिना नुकसान। के खुशहाल इंसान वही होगा जो दूसरों को तकलीफ़ नहीं देगा, कहता डू गुड हैव गुड, लोगों के साथ जो अच्छा करेगा अच्छाई करेगा उसी को अच्छाई पलट के मिलेगी, ठीक है। और वो गुजारता है एक बेज़र सा दिन विद अ रिलीजियस बुक और फ्रेंड, मजहबी दोस्त मजहबी किताब के साथ, मजहबी किताब मतलब कुरान मजीद के साथ, ठीक है, और मजहबी दोस्त के साथ मतलब जो आपको अल्लाह के करीब करे। कहते ना मोहब्बत इंसान अल्लाह के लिए करे, नफरत इंसान अल्लाह के लिए ही करे। तो दोस्त भी ऐसे बने जिसको अल्लाह के करीब लेकर जाए, ना कि अल्लाह से दूर लेकर जाए। वो हेनरी लॉन्ग फेलो जो थे ना, चिल्ड्रन के राइटर जो थे, वो कहते थे इट इज़ बेटर टू बी अलोन देन बीइंग इन द बैड कंपनी, कि बुरी सोहबत में बुरी महफिल में बैठने से बहुत बेहतर है कि इंसान अकेले बैठ जाए, मतलब तो बुरी महफिल में ना बैठे, लेकिन तो महफिल का बड़ा असर होता है। तो इंसान खुशहाल इंसान वही होता है जिसके दोस्त अच्छे होते हैं, जिसको अल्लाह की याद दिलाते हैं, जो खुदा की तरफ लेकर जाते हैं, ना कि वो लोग जो उसके बुरे रास्ते पर डाल दें। बहुत सारे अच्छे बच्चे होते हैं जो उसकी सोहबत या उनकी महफिल ख़राब होती है जिसकी वजह से वो बिगड़ जाते हैं, आपके हमारे जाने में कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनकी सोहबत ठीक नहीं है, आपके स्कूल मेट से मिल सकते हैं, आपके लोकेलिटी में मिल सकते हैं आपको ऐसे बच्चे, आपकी एज के ही हैं लेकिन वो बिगड़ चुके हैं, तो वजह भी यही है उस दिन। अच्छा अच्छा तो नेक्स्ट है, दिस मैन इज़ फ्रीड फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, ऐसा इंसान, ये इंसान आज़ाद होता है सर्वाइल बैंड से। सर्वाइल बैंड से मुराद गुलामी की बंदिशों से। दिस मैन, ये इंसान इज़ फ्रीड, आज़ाद होता है फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, गुलामाना बंदिशों से, गुलामी की बंदिशों से।
ऑफ होप टू राइज और फेयर टू फॉल, मतलब उरूज के उम्मीद से और गिरने के डर से वो आज़ाद होता है। कहा जाता है ना, इंसान जितना ज़्यादा ऊंचा होता है उसको गिरने का उतना ही डर होता है ना। ज़मीन में बैठे रहोगे तो गिरने का डर कम होगा, खड़े रहोगे कुर्सी पर बैठोगे गिरने का डर ज़्यादा होता है। जितना ऊंचे जाओगे उतना गिरने का डर है। तो ऐसा इंसान, उसको ऊंचा जाने की उम्मीद नहीं होती इसलिए उसको गिरने का डर भी नहीं होता। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, आका होता है खुद का, अगरचे ज़मीनों का आका नहीं होता, खुद का आका होता, अपना ही मालिक होता है। दो नॉट ऑफ लैंड्स, अगरचे ज़मीनों का मालिक नहीं होता, ठीक है, कि ज़मीनें नहीं होती उसके पास, उसने जायदाद नहीं बनाई हुई होती है बहुत सारी, सॉरी न ज़मीनें होती हैं न उसकी जायदाद बनी होती है, दोनों चीज़ें नहीं होती हैं उसके पास। लेकिन एंड हैविंग नथिंग येट हैथ ऑल, लास्ट लाइन में पैराडॉक्स, पैराडॉक्स मैंने बताया था, दो अपोजिट वर्ड एक साथ आ जाए, एंड हैविंग नथिंग येट हैथ ऑल, कुछ नहीं होकर भी उसके पास सब कुछ होता है, ये पैराडॉक्स है। उसके पास कुछ नहीं होता ऐसे बंदे के पास, उसके बावजूद सब कुछ उसी के पास होता है। तो ये सेंस में बताया जा रहा है कि ऐसे इंसान दुनियावी, मतलब साधो सामान दुनियावी आसाइशों से लग्जरीज से तो खाली होता है, लेकिन जो उसके पास जो उसकी जो नेकियाँ होती हैं, उसकी जो खुशियाँ होती हैं, जो उसकी आसूदगी इत्मीनान होता है उसके पास, वो दुखों से ज़्यादा होता है। ठीक है, समझ आएगी बात। सो दैट्स इट फॉर द पोम, दैट इज़ द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ।